हेलो एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे बहुत बहुत स्वागत है सो so, सभी को राम राम नमस्ते सत श्री जय हिंद और इसके अलावा एक बच्चा कह रहा था मैम जय भीम बोलना क्यों नहीं बोलेंगे जय भीम बेटा है ना आइए फिर जल्दी से आज के आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन इतना जरूरी सेशन है कि अगर आपने आज की क्लास कल की क्लास परसों की क्लास तीन क्लासेस मिस कर दी तो फिर मत कहना कि मैम हमारा नुकसान हो गया आज की क्लास में आप जैसा आप लोगों से ही मैं पूछ के गई थी मैं नहीं आप लोगों ने ही कहा था मैम पी करवा दो पी यानी पीटीओडिक टेबल आवर्स सारणी करवा दो क्योंकि पी से भर भर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं है और बिल्कुल सही बात है आप इस धरती का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं है ना स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं आपको मालूम होगा कि पीटी एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से भर भर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली मैं आरआरसी ग्रुप डी की बात करूं तो उसमें तो कम से कम आपको दो से तीन क्वेश्चन तो

देखो आज की क्लास कल की क्लास हो सकता है परसों तक है ना तीन दिन ये चैप्टर चले लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को मैं थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगी क्योंकि पीटी हमेशा पीरियोडिक टेबल से बच्चों के बहुत सारे डाउट रहते हैं और अगर मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ अगर आपने तीनों क्लासेस को बहुत एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपने पढ़ लिया और आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए आपको पीटी उंगलियों पर नचा दूंगी मैं सच्ची उतार रही हूं मैं क्योंकि जैसे मुझे याद है वैसे मैं आपको याद करवा दूंगी ठीक है तो पहली बात तो इसको तीन क्लासेस में बांटेंगे हम एक क्लास में पढ़ाऊंगी सर के ऊपर से नीचे जाएगा सब कुछ निकल जाएगा कि हाँ मैम इतना नहीं हो अब, अब अब नहीं बर्दाश्त कर पा रहे है ना तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है एकदम आराम आराम से जहां मैं बोलो नोट डाउन करो उस चीज को नोट करो और फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है कि मैम ये आता है ये इजी है ये वो है क्योंकि ये सब मुझे मालूम है तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन की और जल्दी से ना एक बार शेयर कर दो क्योंकि बच्चे अगर बाद में आए ना तो फिर मैं क्लास को रिपीट थोड़ी करूंगी तो जल्दी से एक बार फटाक से सेशन को शेयर कर दो जिससे जिस बच्चे को आना है वो अगले दो से तीन मिनट के अंदर जुड़ जाए उसके बाद मैं बीच में फिर नहीं बोलने वाली हूं कि शेयर वेयर आपकी मर्जी है जैसा आपको जो करना है वो करिए क्योंकि उसके बाद मैं बहुत भयंकर तरीके से पढ़ाने के मूड में हूँ आज सुबह से वैसे ही मैंने कोई क्लास नहीं ली है क्योंकि आज सुबह से मेरी क्लासेस थी नहीं आज सारे बैचेस में ऑलमोस्ट है ना आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं अब देखो मैं क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं लेकिन पहले मैं आपको पूरा इसका सार बताऊंगी पीरियोडिक टेबल का तभी तो आप <coughs> आप क्वेश्चन लगाने के बनाऊंगी पहले में कि किस तरीके से क्वेश्चन दो पीडीएफ डलवा चुकी हूं ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको क्लास के बाद आज तो मैं क्लास के तुरंत बाद पीरियड टेबल का आपका ये जो आज का, आज की क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम का चैनल आपके सामने ज्वाइन कर लीजिएगा पीरियडिक टेबल का आपको वहां पर मिल जाएगा अपना क्या कहते हैं आपको इस तरीके की पीडीएफ मिल जाएगी अब आओ यहां पर देखो जब बात करते हैं हम पीटी की पीटी बोले तो पीरियोडिक टेबल एक फोटो दिखाती हूं उस फोटो के बाद आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल का फोटो ये आपके सामने है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल इसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हिंदी में आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं जो आठवीं क्लास से आप पढ़ना शुरू करते हैं और आज तक आपका पीछा नहीं छोड़े हैं है ना अब जब बात करते हैं बच्चा पीरियोडिक टेबल होता क्या है केमिस्ट्री में हम बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं बहुत सारे तत्वों के बारे में पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आयरन आपने बोला सोडियम आपने बोला पोटेशियम ये सब क्या है ये एलिमेंट्स हैं ये तत्व हैं और केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है और बहुत सारे नए-नए एलिमेंट की खोज होती भी जाती है अब क्या होता है बच्चा एक-एक एलिमेंट को पकड़ के पढ़ने के लिए इतना ना आपके पास टाइम है ना इतना साइंटिस्ट लोगों के पास टाइम है तो इसी केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च को जो तत्व होते हैं उनके ऊपर रिसर्च को उनकी जो खोज है उनके बारे में पढ़ने के लिए उन पढ़ाई को आसान बनाने के लिए बहुत सारे महान महान साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग टाइम पर अपनी अपनी थ्योरीज दी और लास्ट में आकर आपके सामने इस तरीके का पीटी आज आपकी बुक के अंदर है इसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल सबसे पहला कोई भी चीज हम करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है ठीक वैसे ही मैम साइंटिस्ट लोगों ने पीटी बनाया तो उसके पीछे का मोटिव क्या था इसके पीछे का मोटिव इतना सादा सिंपल सा कि जब भी हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो अगर हम जैसे इस ग्रुप नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं जहां पे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसीयम आता है तो अगर मैं इस सारी लाइन के करैक्टर को एक एक करके पढ़ना शुरू करूं मैं कि भाई लिथियम के क्या करैक्टर होते हैं सोडियम के क्या होते हैं पोटेशियम के क्या होते हैं रूबीडियम के क्या होते हैं सीजियम के क्या होते हैं फ्रांसियम के क्या होते हैं तो मुझे कितना टाइम लगेगा

करने के लिए आपके सामने पीटी को बनाया गया है सामने को बनाया गया अब थोड़ा सा चलते इतिहास में अब पीरियोडिक टेबल बनाना इतना आसान काम होता है ना तो फिर तो हर कोई बना देता आप में से कोई उठ के बना देता इसके पीछे की एक स्टोरी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं देखो मेन मेन मोटा मोटा पार्ट पढ़ा रही हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किसने किया था तो एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोबेराइनर जिनका नाम क्या था डोबेराइनर जी ये आपके सामने है इस तरीके से ये नाम था डोबेराइनर हिंदी में सेम नाम है डोबेराइनर जी यहां से जो सिर्फ जो क्वेश्चन बनेंगे हमारा ये क्लास रिवीजन क्लास है तो मैं रिवीजन के तौर पे ही आपको पढ़ाने वाली हूं यहां पे देखो सबसे पहले डोबेराइनर्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा भाई मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा और वो ईयर था 1829 का 1829 में डोबेराइनर्जी ने कहा मैं पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करूंगा और जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की तो उन्होंने बनाए ट्रायड्स Trides का मतलब क्या होता है जैसे दो को हम क्या बोलते हैं डबल बोलते हैं तीन को क्या बोलते हैं हम ट्राइड बोल दिया तो इन्होंने कहा मैं यहां पर आपके सामने ट्राइड्स बना रहा हूं त्रिक सिद्धांत दिया इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते जाना अच्छे से जहां जहां मैं बोलूं वहां वहां से बढ़िया तरीके से हर चीज को नोट डाउन करते जाना क्योंकि क्वेश्चन क्यों यहीं से आएंगे एग्जाम में ठीक है इन्होंने कहा कि मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा और बनाने के पीछे मैं एक नियम दे रहा हूं जिसे बोलेंगे त्रिक सिद्धांत या लॉ ऑफ ट्राइड्स अब क्या कहा इनके लॉ ऑफ ट्राइड्स ने इन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने तीन एलिमेंट है एक एलिमेंट है ए एक है बी एक है सी ये तीन एलिमेंट है अब इस एलिमेंट का भी कुछ ना कुछ अटोमिक मास होगा अब मैं यहां पर यह नहीं बताने वाली अटोमिक मास क्या होता है क्योंकि ये सब तो अभी तक आपको मालूम होना चाहिए हिंदी में बोलते हैं इसे परमाणु द्रव्यमान ठीक है तो कोई ए नाम का एलिमेंट है उसका भी परमाणु द्रव्यमान है बी वाले का भी है सी वाले का भी है तो फॉर एग्जाम्पल ए वाले के अटोमिक मास को मान लेते हैं ए एम बी वाले को मान लेते हैं बी एम सी वाले को मान लेते हैं सीएम तो मैंने इन तीनों एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया और इसको ट्राइड बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे बच्चा ट्राइड त्रिक नियम त्रिक सिद्धांत बोलेंगे तीन एलिमेंट को रख लिया ये तीनों के अटोमिक मास लिख दिया तो मैं मैं नहीं डॉबरा एनर्जी ने कहा कि जब आप बीच वाला एलिमेंट है ना ये बीच वाला इसका अटोमिक मास निकालोगे तो बाकी दो का एवरेज कर दोगे बाकी दो के एवरेज का मतलब क्या हो गया कि जब आप बीच वाले का अटोमिक मास निकालोगे तो पहले का और तीसरे का अटोमिक मास प्लस कर दो और यहां से आपके सामने उसको डिवाइड कर दो, दो से और बी का जो बीच वाला है उसका अटोमिक मास निकल के आ जाएगा इस तरीके के इन्होंने बनाने की कोशिश करी आप कोशिश तो हर कोई इंसान करता है ना तो डोबेराइनर जी आपका क्वेश्चन क्या बना कि लॉ ऑफ ट्राइड्स किसने दिया ये त्रिक सिद्धांत किसने दिया तो आप क्या बताएंगे ये त्रिक सिद्धांत दिया था डोबेराइनर जी ने कब दिया 1829 में अब इन्होंने कुछ ट्राइड्स बना के आपके सामने पेश करे जिसमें से पहला ट्राइड क्या था पहला था लिथियम सोडियम पोटेशियम लिथियम का सिंबल होता है एल आई सोडियम का एन ए पोटेशियम का के जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं अब जब बच्चा यहां से सोडियम का अटोमिक मास निकला तो लिथियम और पोटेशियम के मास को प्लस करके दो से डिवाइड कर दो फॉर एग्जाम्पल ये आपका लिथियम का अटोमिक मास सिक्स पॉइंट नाइन लिया हुआ है पोटेशियम का थर्टी नाइन लिया है दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करा तो अप्रोक्स तेईस आया तो लोग एकदम वंडर हो गए कि अरे यार क्या डिस्कवरी किया क्या इतना अच्छा इन्वेंशन किया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, है, है ना क्या हो गया लाइट कम कर दूं ठीक है ओके okay, एक सेकंड रुकना मैं ब्राइटनेस कम कर देती हूं एक मिनट अगर आपको ब्राइटनेस का इश्यू आ रहा है चलो क्लियर है आप क्लियर है ना दिख रहा है ना अब साफ दिख रहा है चलो आ जाओ तो पहला ट्राइड इन्होंने कौन कौन सी कौन सा ग्रुप बनाया देखो कौन सा ग्रुप बनाया लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सक्सेसफुल ट्राइड था दूसरा बनाया कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम तो बच्चा ये भी लगभग सक्सेसफुल था ये भी क्या था लगभग सक्सेसफुल था लेकिन बच्चा उसके बाद ये वाला क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी फेल हो गया और सल्फर सेलेनियम टेलोरियम ये भी फेल हो गया तो आपको इतना कुछ झमेले में नहीं पड़ना है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एग्जाम में आ जाए कि डोबेराइनर जी ने कौन सा लॉ दिया था लॉ ऑफ ट्रायड दिया था त्रिक सिद्धांत दिया था यह बात आपको याद करनी है ये फेल हो गए एक एग्जाम्पल फिर से देती हूं इसको समझने की कोशिश करना पहला ट्रायड था लिथियम सोडियम पोटेशियम तो आप यहां पे सोडियम का निकालोगे बीच वाले का निकालोगे बाकी दो का एवरेज कर दोगे तो सोडियम का निकाला तो बाकी दो का क्या कर दिया एवरेज कर दिया तो सोडियम का तेईस होता है आ गया ठीक ऐसे ही देखो बेरियम का बनाया तो यहां से भी कैल्सियम स्टोनसियम का एटी एट पॉइंट फाइव आ गया लगभग ये कुछ सक्सेसफुल थे उसके बाद अनसक्सेसफुल हो गए थे ये फेल हो गए थे मतलब बना नहीं पाए अब आए इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट दूसरे महान साइंटिस्ट जिनका नाम है न्यूलैंड जी क्या नाम है न्यूलैंड जी लिखिएगा इनके बाद आए न्यूलैंड जी नाम के साइंटिस्ट जिनका फोटो लगा हुआ है और कब आए 1865 में 1865 में इन्होंने कहा तुम लोग रुको मैं तुम लोगों को एक पीरियोडिक टेबल बना के देता हूं कैसे बनाया आपने वो सुने होंगे ना ध्वनि के सुर सा रे गा मा पा धा नी सा सा पहले पे है और सा वापस आके रिपीट होता है आठवें पे इसी तरीके से इन्होंने लो दिया था ऑक्टेव लो कौन सा ऑक्टेव लो दिया था अस्ट्रक सिद्धांत दिया था क्या याद रखेंगे कि डॉबेराइनर जी ने अस्ट्रक सिद्धांत दिया इन्होंने कहा जिस तरीके से ध्वनि के सुर होते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा तो पहला सा है वो वापस आके रिपीट होता है आठवें पे ठीक ऐसे ही मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा इस तरीके से अरेंज करूंगा कि ये जो पहला एलिमेंट है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज इसके रासायनिक गुण वापस आके रिपीट होंगे कब तो आपके आठवें पे अब यहां से काउंट कर लो एक दो तीन, चार पांच आठ, आठ फिर उन्हें कहा कि फिर दूसरे से आठ काउंट करोगे तो यहां से आप काउंट करोगे तो वापस यहां आएगा तो कहने का मतलब है जो लीथियम केमिकल प्रॉपर्टीज है जो रासायनिक गुण हैं वो सोडियम से मिलेंगे जो सोडियम की है वो पोटेशियम पे है तो सिर्फ इनका ऑक्टेव का मतलब होता है अष्टक आठ इनके कहने का मतलब था कि मैं इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा कि पहले एलिमेंट्स के जो केमिकल नंबर है पे रिपीट होंगी कहां पर आठवें नंबर पर आकर रिपीट होंगी और बच्चा ये भी फेल हो गए इनके फेल होने का रीजन सुनो जब ये पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे ना उस समय टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने थे अगर आपसे पूछ ले तब बताएंगे 56 एलिमेंट्स थे इस समय 56 एलिमेंट्स थे छप्पन तत्व थे जिनको जिनका इनको रखना था पीरियड टेबल बना के लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सक्सेसफुल थे कैल्शियम के बाद ये क्या हो गए फेल हो गए बच्चा तो अब मैम क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में हमें इतना झमेले में नहीं पढ़ना हमें सिर्फ क्वेश्चन ढूंढने हैं क्वेश्चन बनेगा कि न्यूलैंड जी ने कौन सा लो दिया कौन सा सिद्धांत दिया आप कहोगे लॉ ऑफ ऑक्टेव अष्टक नियम सिद्धांत या पूछेगा अष्टक नियम सिद्धांत किसने दिया न्यूलैंड्स जी ने दिया कब दिया 1865 में टोटल तब उस समय तक 1665 1865 तक टोटल कितने एलिमेंट्स थे नॉन एलिमेंट्स जिनकी डिस्कवरी हो चुकी थी तो वो थे बच्चा 56 एलिमेंट्स और बच्चा ये कहां पर आके फेल हो गए ये कैल्शियम पे आके फेल हो गए तो इनका सिद्धांत कहां तक लागू होता है कैल्सियम तक लागू होता है यहां से बनेंगे तो सिर्फ यही क्वेश्चन बनेंगे अब आए आपके सबसे बड़े मेन साइंटिस्ट जिनका नाम था ये ये कुछ आपको सामने आपके ये सबसे पहले पीरियोडिटेल बनाया गया था ये दोनों फेल हो गए पहले कौन आए डॉबेड एनर्जी डॉबेड एनर्जी ने क्या बोला क्या दिया था लॉ ऑफ ट्राइड तो क्वेश्चन देखो क्या क्या बनेंगे क्वेश्चन बनेगा कि जो लॉ ऑफ ट्राइड था सिद्धांत था वो किसने दिया था तो आपका आंसर आंसर क्या आएगा हमारा आएगा हमारा डोबेराइनर जी कौन थे डोबेराइनर जी उसके बाद बच्चा दूसरा कौन आए थे दूसरे बोलेगा आपसे क्वेश्चन कि लॉ ऑफ ऑक्टेव सिद्धांत किसने दिया आपका आंसर क्या होगा न्यूलैंड जी होंगे ठीक है न्यूलैंड जी का कहां तक अप्लाई था कैल्सियम तक उसके बाद क्या हो गए थे ये फेल हो गए थे टोटल कितने एलिमेंट्स को रखना था इनको इनको 56 एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था लेकिन नहीं कर पाए अब ये भी फेल ये भी फेल अब आए बच्चा कौन आपके दमित्री मैंडलीव कौन आते हैं इनके बाद इनके बाद आते हैं मैंडलीव जी और जी वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले पूरे विश्व के सामने पीरियोडिक टेबल बना के पेश करा इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दिया था 1869 में आपको पता है अठारह में बना दिया था लेकिन बच्चा इनकी पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले पब्लिश कब किया गया था एटीन में एक जर्मन जनरल करके न्यूज़पेपर आता था उस न्यूज़पेपर में सबसे पहले इनका पीरियोडिक टेबल लोगों के सामने बनकर पेश हुआ था तब क्वेश्चन क्वेश्चन सुनो कैसे कैसे question सुनते जाना मैंने कहा Mandeleev जी आ गए इन दोनों के बाद इनसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्वेश्चन आपके यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो अगर आप यहां से भी ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छे से समझने की कोशिश करना बस मेरी चीज को मैंडलीव जी वो महान साइंटिस्ट है जिन्होंने 1869 में सबसे पहले बना दिया था लेकिन ऐसे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं ना फिर इनका पीरियोडिक टेबल एक अखबार था जर्मन जनरल उसमें पब्लिश हुआ तब लोगों के सामने आया कि ओ वाह क्या बनाया है यार इन लोगों ने और मैंडलीव जी ने जब पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया था उस समय टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने थे 63 एलिमेंट्स थे तो क्वेश्चन आपका क्या बना कि मैंडलीव ने जब आर, आवर सारणी बनाने की कोशिश करी तो उस समय

खड़ी लाइन है और इनको नाम दिया ग्रुप इनको क्या नाम दिया ग्रुप या समूह नाम दिया और कुछ ऐसे पड़ी हुई लाइन बनाई और इनको नाम दिया पीरियड क्या नाम दिया पीरियड आवर्त नाम दिया इसीलिए हम कहते हैं हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के जनक कौन है जिन्होंने जन्म दिया आवर्त सारणी को वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले

इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये क्या होंगे ये ग्रुप होंगे जो बच्चा एकदम जीरो है पीरियड टेबल में मैं उसको भी लेके चल रही हूं ठीक है इस तरीके से जब हम काउंट करेंगे तो किसको काउंट करेंगे हम ग्रुप को काउंट करेंगे तो पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां कितने ग्रुप दिख रहे हैं आपको ये एक साथ है ये एक साथ है ठीक है आप क्या बताएंगे बच्चा सुन लीजिए एक दो तीन चार पांच छे सात आठ कितने ग्रुप हैं क्या लिखू मैं पीछे वाली स्लाइड में सॉरी पीछे वाली स्लाइड में यहां पे लिख दू कितने ग्रुप थे एट ग्रुप्स हैं हैं कि नहीं है एट ग्रुप्स मैं किसकी पीरियडिक टेबल की बात कर रही हूं मैंडलीव की पीरियड टेबल की बात कर रही हूं आज जो पढ़ रहे हो उसकी बात नहीं कर उसमें अठारह ग्रुप है मुझे मालूम है ठीक है अब काउंट करते हैं हम पीरियड पीरियड कैसे काउंट करेंगे इस तरीके से फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन सेकंड लिथियम वाला सोडियम वाला ये देखो नंबरिंग करते जाए एक दो तीन चार पांच छ और सातवां ये रहा थोरियम और यूरेनियम वाला पहला पीरियड दूसरा तीसरा चौथा पांचवां, छठा सातवां तो बताओ कितने पीरियड लिख दू यहां पे सात पीरियड लिख दू तो यहां पर लिख देते हैं हम कि इनकी पीरियोडिक टेबल में आठ ग्रुप थे और पीरियड कितने थे सेवन. ये कलर नहीं दिखने वाला आपको यहां नॉन एलिमेंट्स 63 कब बनाया 1869 में कब पब्लिश हुआ 1872 में फादर ऑफ टेबल मैंडलीव कितने ग्रुप थे कितने पीरियड थे बात खत्म हो गई बात समझ में आ गई अब बात ये आती है कि मैम इन्होंने ये जो पीरियोडिक टेबल बना रखा है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया है भाई यहां पर हाइड्रोजन रखा यहां पर लिथियम रखा लिथियम ही क्यों रखा है यहां पर यहां पर बेरेलियम रखा तो बेरेलियम ही क्यों रखा बोरोन यहां रखा है तो बोरोन ही क्यों रखा है पहले कार्बन क्यों नहीं रखा ये सुन लो बात जरा इन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो किसके आधार पे अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर अटोमिक मास मैंडलीव जी ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर अटोमिक मास परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने क्या कहा मैंडलीव ने कहा कि आप मेरी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आओ मतलब ऊपर से नीचे आओ लेफ्ट से राइट जाओ बाएं से दाएं जाओ आपको हमेशा अटोमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा किस ऑर्डर में मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोले तो बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा यह बात किसने कही ये बात कही मैंडलीव जी ने क्या कहा फिर से सुनो मैंडलीव जी ने कहा मैंडलीव जी ने कहा कि मेरे पीरियोडिक टेबल में मेरी आवर्त सारणी में जो मेरे द्वारा बनाई गई है उसमें आप ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जाओ आपको हमेशा अटोमिक मास बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा इन्होंने कहा ऐसी बात ठीक है अटोमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को रखा किन्होंने रखा मैंडलीव जी ने रखा और यही आगे चलकर इनकी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक सबसे बड़ी कमी निकली क्यों निकली मैं आपको एक शब्द लिख के बता रही हूँ ये शब्द कितने बच्चे जानते हैं? Is बेसिक से नीचे लेके चल रही हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं आइसोटोप्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका अटोमिक नंबर सेम हो जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है एक जैसा होता है परमाणु क्रमांक एक जैसा है सेम है लेकिन उनका अटोमिक मास डिफरेंट हो सकता है उनका अटोमिक मास क्या हो सकता है परमाणु भार क्या हो सकता है डिफरेंट अलग अलग हो सकता है तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे उनको हम आइसोटॉप्स उन्हें हम समस्थानिक बोलते हैं मैंने कहा जिनका अटोमिक नंबर सेम है लेकिन अटोमिक मास एक ही एलिमेंट का अटोमिक मास अलग अलग हो सकता है क्यों नहीं हो सकता आप खुद सोचो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप होते हैं वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री देखो अटोमिक नंबर सेम है ये पाओ में लिखते हैं वो अटोमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक होता है तीनों का परमाणु क्रमांक एक जैसा है लेकिन परमाणु भार देखो मास देखो इसका एक है इसका दो है इसका तीन है आपने पढ़ा होगा कार्बन एक बारह भी होता है और कार्बन एक फोर्टीन भी होता है ये सब छोड़ो पोलोनियम के सत्ताईस आइसोटोप्स होते हैं तो ये बताओ मुझे जब आप अटोमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो अटोमिक मास तो अलग अलग भी है भाई ये देखो ना इसका हाँ, एक हाइड्रोजन की तीन एटॉमिक मास है तो आपको तीनों को जगह देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी अपनी पीटी में क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि मैंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया है परमाणु भार के आधार पे मैंने इनको बना दिया है अब भाई मैं ये कह रही हूं कि भाई साहब एटॉमिक मास तो अलग अलग हो सकता है एक एलिमेंट का क्यों नहीं हो सकता देखो हाइड्रोजन का एक दो तीन ऐसे कार्बन के दो होते हैं पोलोनियम के सत्ताईस आइसोटोप होते हैं तो जब आप अटोमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को रखोगे तो ये बताओ मुझे कि आपको इनको जगह देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी इसका मतलब जब आप हाइड्रोजन लिखोगे तो हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप भी लिखोगे वन एच वन लिखोगे वन एच टू लिखोगे वन एच थ्री लिखोगे कितना तो बड़ा पीरियोडिक टेबल हो जाएगा पोलोनियम के सत्ताईस लिखोगे पीरियोडिक टेबल तो कम से कम बीस पचास पेज का बन जाएगा तो ये बताओ पढ़ाई हमने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाना शुरू किया था ताकि हमारी पढ़ाई आसान हो अब पढ़ाई तो बहुत बेकार हो रही है ये तो इसलिए बच्चा यही इनकी पीरियोडिक टेबल का एक तो सबसे बड़ा कमी था अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि की पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी कमी बताओ ड्रॉबैक बताओ आप क्या कहोगे मेंडलिवी जी किसको जगह नहीं दे पाए थे अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाए थे और भाई आइसोटोप्स को जगह देनी पड़ेगी क्योंकि आपने कहा है मैं एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहता हूं मास तो अलग अलग हो सकता है एक एलिमेंट का तो सबको रखो सबको रखो तो होगी कि नहीं होगी गलती बताओ गलती होगी कि नहीं होगी तो ये कमी है या नहीं गलती नहीं कमी है ना कमी तभी निकलती है जब कुछ करते हैं सीखने को मिल रहा है ना कुछ अगर इन्होंने कभी पीटी बनाने की कोशिश ही नहीं की होती तो कभी कमी नहीं निकलती कमी नहीं निकलती तो आज हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आता कमी थी सुधार देंगे बात समझ में आ गया बात समझ में आ गई अब सुनो दूसरी कमी क्या थी इनके कुछ अच्छी बातें भी थी मैं बताऊंगी ऐसा नहीं है जहां पे कमियां होती हैं अच्छी बातें भी होती हैं दूसरी इनकी कमी क्या थी इन्होंने क्या कहा था कि मेरी पीरियोडी टेबल में ऊपर से नीचे आओ और लेफ्ट से राइट जाओ अटोमिक मास बढ़ेगा इन्होंने कहा था ना ऐसा अब सुनो इनकी पीटी दिखाती हूं और ये अपनी कही बात में खुद फंस गए भाई ये लेफ्ट से राइट है ना तो मैं यहां से यहां आऊंगी इधर से इधर ऐसे 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 आऊंगी तो अटोमिक मास बढ़ता हुआ मिलना चाहिए ना चलो आओ इस लाइन में आओ ठीक है थर्टी नाइन पॉइंट वन है इसका फोर्टी है बढ़ रहा है इसका 47 है बढ़ रहा है फिफ्टी है फिफ्टी टू है फिफ्टी फोर है फिफ्टी फाइव है आ जाओ फंस गए आपके जी फंस गए आपके जी क्यों देखो कोबाल्ट का होता है फिफ्टी एट पॉइंट नाइन और निकिल का है फिफ्टी एट पॉइंट सेवन अब ऐसे आऊंगे तो ऐसे ऐसे, ऐसे 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 बढ़ते हुए क्रम में दिखना चाहिए था ना अब भाई इसका कम है इसका ज्यादा इसका ज्यादा है तो बताओ ये फंसे कि नहीं फसे ये कमी है या नहीं है मैम बिल्कुल कमी है कमी है या नहीं है है ना कमी है कि नहीं है बिल्कुल कमी है इन्होंने पहले रख दिया कोबाल्ट को और फिर रख दिया निकिल को जबकि होना क्या चाहिए था पहले निकिल और बाद में कोबाल्ट दूसरी कमी निकल के आ गई ये कमी हो गई अब मैम अच्छी बात क्या ये बताओ कमियां तो हो गई ये दो मेन कमी है बनेगा। कि जो आपके लीव थे, उनके मास में कौन से दो एलिमेंट्स में गड़बड़ी पाई गई तो आप क्या बताओगे कोबाल्ट एंड निकिल में अब कुछ अच्छी बात है जो आपको बोर्ड के ऊपर दिख रही है आप अवॉइड कर रहे हो ये कुछ खाली खाली जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही है आपको ये खाली जगह ये खाली जगह ये खाली जगह ये खाली जगह यह खाली जगह ये खाली जगह ये खाली जगह अरे मैम ये खाली जगह क्यों रखी है सुनो इन्होंने कहा कि आज मेरे जमाने में 63 एलिमेंट्स हैं लेकिन आगे चल कर तो नए नए एलिमेंट्स की खोज होती रहती है नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती रहती है तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह रख दी थी कि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो उनको यहां पर आप प्लेस कर सकते हो यहां पर आप रख सकते हो इस तरीके से ये इनकी पीटी की अच्छी बात थी अच्छी बात क्या थी एक तो ग्रुप और पीरियड में बांटना सिखा दिया दूसरी अच्छी बात भाई कुछ खाली जगह रख दी कि फ्यूचर में कुछ नया एलिमेंट खोजा जाए ना तो उसको यहां पे रखने का कृपा करें आप ये अच्छी बात थी और अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है बस वो सुन लो आप तो यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा बच्चा कि इन्होंने टेबल में जो खाली जगह रखी थी ना उसमें आपको चार एलिमेंट के नाम याद करने हैं चारों एग्जाम में आते हैं लिखवा लो आप मेरे से एग्जाम में आते हैं आते हैं मतलब आते हैं इन्होंने सबसे पहली एक खाली जगह रखी थी एक बोरोन करके क्या करके एक बोरोन हिंदी में सेम नाम है बाद में इस एक बोरोन को रिप्लेस किस एलिमेंट से किया गया था एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा। स्कैंडियम से, से? स्कैंडियम जिसका सिंबल एस सी होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा मैंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो एका बोरोन करके खाली जगह रखी थी वो बाद में किस एलिमेंट से रिप्लेस कर दी गई तो आप क्या बताएंगे बच्चा वो स्कैंडियम से रिप्लेस कर दी गई कर देंगे क्वेश्चन अगर आ गया तो दूसरा रखा था इन्होंने जगह एका सिलिकॉन करके एका सिलिकॉन करके और इस एका सिलिकॉन को किससे रिप्लेस किया गया था जर्मेनियम किससे बच्चा जर्मेनियम से रिप्लेस किया गया जिसका सिंबल जीई होता है बात क्लियर है नेक्स्ट अगला रखा था इन्होंने एका एल्यूमिनियम एका एल्यूमिनियम एका लैटिन शब्द है ठीक है एका प्लेटिन शब्द को आप देखोगे ना तो कुछ फ्यूचर से रिलेट करता है ना भविष्य से एका एल्यूमिनियम और इसको रिप्लेस किया गया था गैलियम से किससे गैलियम से जिसका सिंबल जी ए होता है नेक्स्ट एका मैंगनीज एका मैंगनीज और इस एका मैंगनीज को बाद में रिप्लेस किया गया था टेक्नेशियम से किससे टेक्नेशियम टेक्नेशियम

इनको नाम दिया था एका बोरोन एका सिलिकॉन एका एल्यूमिनियम एका मैंगनीज बाद में एका बोरोन को स्कैंडियम से एका सिलिकन को किससे जर्मेनियम से एका एल्यूमिनियम को गैलियम से एका मैंगनीज को टेक्नीशियम से चार क्वेश्चन खत्म सुनो क्या क्या क्वेश्चन बने हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था वो किसके आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर ऑटोमिक मास परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पे। उन्होंने कहा टॉप टू बॉटम लेफ्ट से राइट right जाओ ऑटोमिक मास बढ़ते हुए मिलेगा आपको लेकिन कमी पाई गई किस में? कोबाल्ट और निक्किल में अब आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन इनकी पीरियोडिक टेबल में किसको जगह नहीं मिली थी तो भाई इनकी पीरियोडिक टेबल में हमें आइसोटोप्स को जगह नहीं मिली थी समस्थानिक्स को जगह नहीं मिली थी ये सबसे बड़ी कमी थी इनकी और ये कुछ फ्यूचर वाले एलिमेंट थे जिनको इन्होंने आगे रिप्लेस कर दिया गया था तो प्यारे बच्चों और कुछ क्वेश्चन और देख लो कैसे कैसे बनते हैं इससे वो भी सुन लो ये तो बहुत वाल बच्चे वाला क्वेश्चन है कि इनकी पीरियो टेबल का फर्स्ट एलिमेंट कौन है हाइड्रोजन है आज तक फर्स्ट भी रखा है कोई इसको छेड़ नहीं पाया है ना हाइड्रोजन है फर्स्ट एलिमेंट लास्ट कौन सा है यूरेनियम सेकंड लास्ट कौन सा है थोरियम ये भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं टोटल कितने एलिमेंट्स हैं आप इनको इसको जब काउंट करोगे तो 63 एलिमेंट्स होंगे ये है ना 63 होंगे फर्स्ट वन हाइड्रोजन लास्ट वन यूरेनियम सेकंड लास्ट थोरियम बस चलो आगे चलिए अब चलते हैं आगे अब आए इनके बाद इनकी कमियों को दूर करने के लिए और कौन से महान साइंटिस्ट हैं जी कौन आए हैंड्री जी आए लिखेंगे इनके बाद आए हैं जी और हेनरी मोजलि जी ने कुछ नहीं किया उन्होंने इन्हीं कमियों को दूर करके और ये बना के आपके सामने भेज दिया कि देख लो इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल ये रहा ये पीरियोडिक टेबल किसकी है ये हेनरी मोजले जी की है हेनरी मोजले जी ने जो मैंडलीव ने कमियां छोड़ी थी उन कमियों को दूर करा और दूर करके आपके सामने इस तरीके का पीटी प्रेजेंट किया जो आज तक आप पढ़ते हैं आज तक आप पढ़ते हैं जिसे आप आधुनिक आवर सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं वो हेनरी मोजले के द्वारा बनाई गई थी कमियों को कैसे दूर किया इन्होंने एलिमेंट्स को रखा किसके आधार पे रखा अकॉर्डिंग टू देयर अटोमिक नंबर इन्होंने कहा भाई मुझे अटोमिक मास के आधार पे रखना ही नहीं है किसके आधार पे रखना है मुझे इन्होंने एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया किसके आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर अटोमिक नंबर एटॉमिक नंबर के आधार पे रखा परमाणु क्रमांक के आधार पे रखा और इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आओ लेफ्ट से राइट right जाओ हमेशा आपको एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा और आप खुद देख लो मैं आपको दिखा देती हूँ आप कहीं से भी आ जाओ ऊपर से नीचे देख लो एक नंबर अटोमिक नंबर तीन ग्यारह उसके बाद पोटेशियम अठारह ये देखो ये देखो बढ़ता हुआ मिल रहा है इधर जाओ एक चार उसके बाद देखो थर्ड आपका बरोन पांच छे सात आठ नौ दस पे नियोन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तो इन्होंने एलिमेंट्स को अगर आपसे पूछ ले जी ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें एलिमेंट्स को किसके आधार पर अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर ऑटोमिक नंबर परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंज किया और कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे लेफ्ट से राइट जाओ आपको ऑटोमिक नंबर बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इन्होंने एटॉमिक नंबर को क्यों रखा बिल्कुल सही बात है भाई एटॉमिक नंबर को ही क्यों रखा इतना मतलब आसान था क्या आसान था तो फिर जी ने क्यों नहीं कर दिया ये क्योंकि बच्चा इन्होंने इस बात को प्रूफ किया इन्होंने इस बात को सिद्ध किया क्या सिद्ध किया इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल तो छोड़ दो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती हैं किसके आधार पर परमाणु क्रमांक के आधार पर अटोमिक नंबर के आधार पर चेंज होती हैं ना कि अटोमिक मास के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं जो एलिमेंट्स को रख रहा हूं वो उनको नंबर के आधार पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि किसी भी एलिमेंट की किसी भी तत्व की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है उसके अटोमिक नंबर पे डिपेंड करती है परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करती है वो मैं आगे चलकर आपको पढ़ाने वाली हूं ठीक है अब कुछ बेसिक सी बातें करते हैं इनके पीटी की सबसे पहले इनकी पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं समझते जाना बिल्कुल एकदम नोट्स बना लेना साथ साथ में इन्होंने जो पीटी बनाया ईयर वीयर आपको याद ही होगा शायद अगर नहीं याद है तो आप लिख भी सकते हो 1913 में 1913 में 1913 में बनाया इन्होंने और इनकी पीरियोडिक टेबल को नाम क्या दिया इनकी पीरियोडिक टेबल को नाम दिया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ मैंडलीवस पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल भाई इन्होंने क्या किया पीरियोडिक टेबल को लंबा बना दिया क्योंकि अब इनको कितने एलिमेंट्स को रखना था टोटल 118 एलिमेंट्स तो अगर आपसे पूछ ले कि अभी आप जो पीटी पढ़ते हो जो आप सारणी पढ़ते हो उसमें कितने तत्वों को रखा गया है 118 एलिमेंट्स को रखा गया है और कितने ग्रुप और कितने पीरियड में चलो सुन लो अब कुछ बातें बेसिक सी बातें बता रही हूँ इस तरीके से काउंट करोगे ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम है ना ऊपर से नीचे तो आप ग्रुप्स को काउंट करते हैं और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप हैं उसमें अट्ठारह ग्रुप हैं कितने वर्ग हैं कितने समूह हैं और इसमें पीरियड्स कितने हैं इस तरीके से आप लेफ्ट से राइट काउंट करोगे तो आप किसको काउंट करोगे आप पीरियड को काउंट करोगे और कितने होते हैं हैं आवर्त सात अरे मैम हमें बताओ सात कैसे हैं दिखाओ हमें दिखाओ कुछ बच्चे होंगे ना उठ पटांग से नहीं 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 दिखाओ दिखाओ कहा है सात अभी दिखाते हैं आपको सात कहां है सात पीरियड काउंट करवाती हूँ आपको ये लो पहले अठारह ग्रुप काउंट करते हैं टॉप टू बॉटम आएंगे तो हम किसकी बात करेंगे हम ग्रुप्स की बात करेंगे पहला ग्रुप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौ दस ग्यारह बारह तेरह अठारह ठीक है भाई हो गए आ जाओ पीरियड काउंट करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ सात पीरियड हो गए अब आएंगे कुछ सुपीरियर लेवल वाले बच्चे वो कहेंगे वो कहेंगे कि मैम ये नीचे है ये क्या है ये नीचे है ये क्या है ये फिर ये तो नौ पीरियड हो गए नौ आवर्त हो गए अरे नहीं उल्लुओं जो छठा पीरियड है उसके यहाँ के कुछ एलिमेंट्स यहां रख दिए जो सातवां पीरियड है उसके ये नीचे की तरफ छठे और सातवें आवर्त के ही कुछ तत्वों को यहां से खिसका के नीचे की तरफ रखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि नौ आवर्त छठे और सातवें के ही कुछ एलिमेंट को नीचे की तरफ खिसका के रखा गया है क्यों रखा गया अभी पांच मिनट के बाद समझ में आ जाएगा समझ में आ गए ग्रुप कितने हैं पीरियड कितने हैं सब काउंट करवा दिया मैंने चलो अब बात करते हैं कि कैसे बनाते हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो चार ब्लॉक में डिवाइडेड है कितने ब्लॉक हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में आवर्सने में चार ब्लॉक हैं ये कौन है एक ये इनको देखना इनको अंकु सिंह करें खान सर जैसा स्टडी कराइए पहली बात तो मैं आपको बता दूं देखो मेरे मन में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है खान सर के लिए ऐसा कुछ नहीं है हर एक टीचर का यूनिक स्टाइल होता है पढ़ाने का दो टीचर अगर एक जैसा पढ़ा पाएंगे तो फिर एक वो इंसान अलग अलग हैं, दो अलग इंसान हर इंसान का एक पढ़ाने का अलग स्टाइल होता है मेरा अलग अलग है, है, खान सर का किसी तीसरे इंसान का अलग है किसी, किसी पांचवें इंसान का अलग है तो कभी भी ना अपने दिमाग से ना इस गंदगी को निकाल दो कि उनके जैसा पढ़ाइए उनकी क्लास में जाके बोलते हो उनका जैसा पढ़ाइए ये कभी हो सकता है क्या है अगर मैं तुमसे बोलूं कि वो जो आईएएस बने हैं इस बार तो श्रुति शर्मा की रैंक आई है फर्स्ट तो तुम श्रुति शर्मा जैसे बन जाओ बन जाओगे क्या इसलिए ये थोड़ी सी ना नॉनसेंस बातें मत करा करो जीवन में ना यहां आ गए हो तुम्हें क्या लगता है तुम ये कमेंट करोगे तो मैं खान सर के बारे में कुछ बोल दूंगी तुम फिर वो खतरनाक सा एक थमनेल लगा के बोलोगे आखिर क्या बोला है मैम ने खान सर के बारे में ये सब करना है क्या भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है तेरे पास होगा सच में बहुत सारा टाइम नहीं है मेरी शादीवादी होने वाली है मुझे उसके लिए बहुत सारे काम है मैं क्या बताऊं तुम लोगों को तुम लोगों को बस एग्जाम फंस गया इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ समझ रहे हैं आप मेरे बहुत जल्दी शादीवादी भी होने वाली है उसकी भी तैयारियों में लगना है मुझे इसलिए मेरे पास ये सबका टाइम है तेरे पास है तो तू कर ठीक है आओ यहां पे बाकी खान सर के लिए मेरे मन में बहुत सारे रेस्पेक्ट है वो अच्छे टीचर हैं और मैं सर से बात बात भी करती हूं मिली भी हूं कभी और भी मौका मिलेगा तो मिलूंगी मैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी क्लास में जाके बोलो उनका जैसा पढ़ाओ उनके क्लास में जाके भाई साहब माफ करो आओ यहां पे ठीक है तो पीरियोडिक टेबल में चार ब्लॉक होते हैं कौन कौन से ब्लॉक होते हैं एस पी डी एफ ब्लॉक एस पी डी एफ सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए वाई एस पी डी एफ क्यू आर एस क्यों नहीं रखा दिमाग में आना चाहिए था ना है ना कि पी क्यू आर एस क्यों नहीं रखा या A, B, C, D, क्यों नहीं रखा ब्लॉक के नाम अब सुनो क्यों रखा गया SPDF? मैं आपको पढ़ाऊंगी थ्री डी मॉडल तब वहां पर एक नाम आता है सब शैल हिंदी में बोलते हैं उपकक्षा एक होती है शेल या ऑर्बिट एक होता है सबसे उपकक्षा और बच्चा जिस एलिमेंट की जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक में रखा जाता है मैम नहीं समझ आया चलो वापस सुनने की कोशिश करो अरे अभी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना मत करो ठीक है एक करे मैम आप शादी मत कीजिए गोविंद करे अबे तुम लोग यार अजीब और जब नहीं कर रही थी तो मैम शादी कब करोगे शादी कब करोगे मैं शादी करने जा रही हूं तो तुम शादी क्यों कर रहे हो क्या कर रहे हो सुधर जाओ तुम लोग है ना चढ़ो आओ पढ़ाई पे ध्यान दो अभी नहीं हो रही है तीन चार महीने अभी टाइम है जब होगी तो आपको बताएंगे बिल्कुल आप भी आइएगा है है ना ठीक मैं ये बस उपरी मन से बोल रही हूँ आने वाने की जरूरत नहीं है आओ यहां देखो कि मैम चार ब्लॉक बनाए एसपीडीएफ तो एसपीडीएफ ही क्यों नाम रखा है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एसपीडीएफ नाम क्यों रखा है मैंने मैंने नहीं सॉरी एसपीडीएफ क्यों रखा गया क्योंकि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है

ये थोड़ा बड़ा होता है इस ब्लॉक को कहा जाता है पी ब्लॉक ये कौन सा ब्लॉक है पी ब्लॉक ये बीच वाला है ये है डी ब्लॉक और नीचे की तरफ होता है यहां पर आपका एफ ब्लॉक ये रहा आपका एफ ब्लॉक इस तरीके से ये आपका कौन सा ब्लॉक है एफ ब्लॉक तो सबसे पहले जैसे पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दिखाया आपके दिमाग में क्या आना चाहिए ये यहां वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला एस ब्लॉक है ये राइट एंड साइड वाला पी ब्लॉक है ये बीच वाला डी ब्लॉक है और जो नीचे वो दो दो लाइन बनी हुई है ना वो एफ ब्लॉक है अब मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ डी ब्लॉक के ही कुछ एलिमेंट को किसका के नीचे की तरफ रखा गया है जिसे हमने पीएफ ब्लॉक बोल दिया है डी के ही कुछ एलिमेंट को नीचे की तरफ खिसकाया है कौन कौन से पीरियड से पीरियड नंबर सिक्स पीरियड नंबर सेवन छठे और सातवें आवर्त के कुछ एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स को खिसका के नीचे की तरफ एफ ब्लॉक बना दिया गया चलो दिखातीस पी डी एफ ढूंढने की कोशिश करो देखो ये है एस ब्लॉक ये वाला ये एस ब्लॉक है ये वाला पी ब्लॉक है बच्चा और ये वाला ऑरेंज से कलर से है वो डी ब्लॉक है और ये नीचे वाला कौन सा है एफ ब्लॉक है बात समझ में आ गई एस पी डी एफ चलो अब चलते हैं क्वेश्चन आएगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो सुनो अब आएगा बच्चा थोड़ा सा आगे चलते हैं जो एस ब्लॉक होता है ना इस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप आते हैं होते कितने टोटल ग्रुप अठारह ग्रुप है एस ब्लॉक में आते हैं दो ग्रुप ग्रुप नंबर वन ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में बिल्कुल थके हुए क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर टू मतलब पहला और दूसरा ग्रुप मिलकर कौन सा ब्लॉक बनाते हैं एस ब्लॉक बनाते हैं अब आइए जरा पी ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप से बना हुआ होता है ग्रुप नंबर थर्टीन से लेकर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन ये सारे ग्रुप किस में आते हैं डी ब्लॉक में फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ग्रुप नंबर 16 है वो कौन से ब्लॉक में आता है आप क्या बताओगे पी ब्लॉक में आता है ठीक है अब बात करते हैं डी ब्लॉक की कि डी ब्लॉक में कौन कौन से हैं? इन दोनों के बीच के अब इन दोनों के बीच के कहां से तीन से लेकर बारह तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह

चलो अब बात करते हैं पीरियड्स की आपके आवर्त की आवर्तों की बात करते हैं कितने होते हैं आवर्त जब आवर्त जब की बात करते हैं तो टोटल कितने होते हैं सात अब मैं जो चीज पढ़ाने जा रही हूं अगले पांच मिनट ये जिस जिस को याद हो जाएगी उसी को आगे का पीटी याद होने वाला है सिर्फ उसी को आगे का पीटी याद होने वाला है ठीक है जो मैं अगली पांच मिनट जो चीज पढ़ाने वाली हूं अगर आपको <coughs> है ना तो ही बच्चा आपके आग, आगे की पीटी याद होने वाली है क्योंकि तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको टॉमिक नंबर याद हो जाए वो इसी से निकलेगी सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं तो उसे कहा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड अति लघु आवर्त बहुत छोटा है बेचारा क्या है अति लघु आवर्त सबसे छोटा पीरियोडिक टेबल का तो क्वेश्चन बन गया आपका पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा पीरियड कौन सा है फर्स्ट कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल ये एलिमेंट्स के नंबर लिख लिया दो कौन कौन से हाइड्रोजन एंड हीलियम आपको दिखाती हूँ साथ साथ में दिखाते हुए चलती ताकि आपको कभी भी डाउट ना हो सुनो ये देखो बच्चा देखो ये रहा फर्स्ट पीरियड पीरियड ऐसे काउंट करते हैं हाइड्रोजन ये इतना छोटा सा है आइए दूसरे पे दूसरा को बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड वेरी शॉर्ट नहीं शॉर्ट पीरियड छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं है शॉर्ट पीरियड छोटा आवर्त या लघु आवर्त और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल आठ होते हैं कितने होते हैं बच्चा आठ एलिमेंट्स लिख दो आठ ठीक है तीसरे को भी बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड क्यों क्योंकि इसमें भी आठ होते हैं इसमें भी कितने होते हैं आठ होते हैं ठीक है चौथे को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड कैसा लॉन्ग पीरियड इसको बोलेंगे दीर्घ आवर्त दीर्घ आवर्त क्यों क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या होती है एटीन साउंड वाउंड आ रही है ना ठीक है हाँ नेक्स्ट पांचवे को भी बोलेंगे लॉन्ग पीरियड क्योंकि पांचवे में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं अट्ठारह होते हैं अब आते हैं छठे और सातवें पीरियड की बात करते हैं है ना छठे को बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड कैसा वेरी लॉन्ग पीरियड अति दीर्घ आवर्त हिंदी देखो कितनी तगड़ी है अति दीर्घ आवर्त क्यों क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं थर्टी टू और सातवें का भी नाम पड़ता है वेरी लॉन्ग पीरियड और इसमें भी कितने हैं थर्टी टू सबको काउंट कर लो एक सौ आ रहा होगा तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में इस तरीके से आपके एलिमेंट्स बंटे हुए होते हैं इस तरीके से समझ में आ रही है कुछ गाथा है ना होगी बात समझ में आ गई मेरी किसका क्या नाम पड़ा क्यों पढ़ा नाम अगर ये समझ में नहीं आया ना इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आगे वाली चीज समझ में नहीं आने वाली है ठीक है सबसे पहले में दो एलिमेंट्स हैं इसलिए इसको बोलेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड उसके बाद शॉर्ट पीरियड इसमें आठ होते हैं फिर तीसरे को भी शॉर्ट पीरियड क्योंकि उसमें भी आठ होते हैं चौथे पांचवें के अंदर अठारह अठारह हैं तो इसे लॉन्ग पीरियड बोलते हैं छठे सातवें के अंदर बत्तीस बत्तीस हैं अब मैं आपको तो एक थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताती हूँ सातवें पीरियड को बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड क्यों <coughs> क्योंकि ऐसा माना गया है जब भी कोई नए एलिमेंट की खोज होगी भाई हो सकता है ना आज एक सौ अठारह है कल को एक सौ पच्चीस एलिमेंट हो जाए तो जब भी कोई नया एलिमेंट जिसकी खोज होगी उसको हम कहाँ ऐड करेंगे इसी में करेंगे इसीलिए हम इसको कंप्लीट पीरियड नहीं बोलते हैं तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं किसको हम अपूर्ण आवर्त कहते हैं कभी भी नया एलिमेंट खोजा गया तो वो हम किस पीरियड में ऐड कर देंगे तो हम ऐड कर देंगे उसे सातवें पीरियड में उसे हम सातवें पीरियड में, में सात नंबर के आवर्त में उसको जोड़ देंगे नंबर नंबर याद 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 कर लेना इसी से पूरा पीटी हो हो जाएगा आपको सारे याद हो आपको सारे एटॉमिक जाएंगे अलग से नहीं कुछ गाथा गाने की जरूरत है हो गया चलू आगे चलू थोड़ी सी बात आइए चलो अब मैं कुछ पीरियोडिक टेबल के आपको रूल समझाने वाली हूं जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा बहुत स्ट्रांग होगा जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा बहुत स्ट्रांग होगा कुछ रूल समझाने वाली हूं जो समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चा तभी आज आकर आपकी खोपड़ी में कुछ बातें बैठ पाएंगी नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है चीजें अरे भाई तो क्या चाहते हो चलो आ जाओ सुनो फटाक से जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक हो गया एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर टू ठीक है डी ब्लॉक में तीन से लेकर बारह तक पी ब्लॉक में थर्टीन से लेकर एटीन तक थर्टीन से लेकर एटीन तक हो गई बात खत्म हो गई अब आओ अगले पॉइंट पे अब कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं कि पीरियोडिक टेबल के ऐसे ब्लॉक का नाम बताओ जिसके अंदर सिर्फ मेटल्स हैं ऐसे ब्लॉक का नाम बताओ जिसमें सिर्फ नॉन मेटल्स हैं ये कुछ क्वेश्चंस ना मैं नोट डाउन ब्लॉक होता है हम को. को क्या बोलते हैं नोटोरियस एलिमेंट आवारा तत्व बोलते हैं आवारा कौन होता है जो यहां वहां घूमता रहता है गली वली में घूमता रहता है ना गाना सुनागा ना आवारा होम है ठीक वैसे ठीक है हाइड्रोजन का आज तक पीरियोडिक टेबल में प्लेस जो है ना वो फिक्स नहीं है हालांकि हम इसे रखते हैं एक पर है क्योंकि इसका अटोमिक नंबर एक होता है इसलिए हमने एक पर रखा है लेकिन आपको बताऊं मजे की बात हाइड्रोजन के जो करेक्टर्स है ना वो इससे भी मिलते हैं सत्रह नंबर के ग्रुप से भी मिलते हैं पता है आपको इसलिए हाइड्रोजन को रखा आपने भले ही एक नंबर पे है लेकिन ये बेचारा आवारा है इसकी प्रॉपर्टी सत्रहवें ग्रुप से भी मैच करती है तो यहां वहां घूमता रहता है इसे नोटोरियस एलिमेंट कहते हैं ठीक है चलो अब बोलते कह रहे नहीं बोलते हैं आवारा उसको आवारा किसको नहीं बोलते हैं आवारा हो गया अब सुनो जरा जो पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक है उसमें हाइड्रोजन को छोड़ दो ना उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर मेटल्स वो क्या है वो मेटल्स हैं इसीलिए ग्रुप नंबर वन का नाम क्या है वो सुनो जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे जहां से बनेंगे देखो इसीलिए हम कहते हैं ग्रुप मेटल्स क्या बोला क्या नाम पड़ा है इसका मेटल्स मैटल्स धातु कहते हैं इनमें छार ये धातु कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ग्रुप नंबर वन में जो एलिमेंट्स आते हैं उनका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है किस नेचर का होता है उनका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है क्षारीय प्रकृति का होता है ठीक है इसलिए हम इन्हें एल्कली मेटल्स कहते हैं दूसरा ग्रुप नंबर टू में जो एलिमेंट्स आते हैं इन ग्रुप के नाम हैं ठीक है जैसे ग्रुप नंबर टू को हम क्या बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स एल्कली अर्थ मेटल्स ऐसी मेटल्स जिनका ऑक्साइड तो बेसिक नेचर का है लेकिन वो कहां मिलती है वो मिट्टी में मिलती हैं। कहां पर मिलती है वो मेटल्स हमें मिट्टी से मिलती हैं, अर्थ से मिलती है इसलिए इनको कहते हैं क्षारिय मृदा धातु क्षारिय मृदा धातु ठीक है सीधा ग्रुप नंबर थर्टीन, थर्टीन, थर्टीन को कहा जाता है तेरहवें ग्रुप को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है मैं आपको दिखा भी देती हूं देखो आपको मैम बीच वाला क्यों स्किप कर दे क्योंकि बीच वाला भी अभी नहीं पढ़ रहे ना अभी बीच वाले की बात हम नहीं कर रहे हैं ये देखो ये कहां चला गया ये रहा देखो ये है ग्रुप नंबर थर्टीन इसे कहा जाता है बोरोन फैमिली क्यों कहते हैं क्योंकि का नाम क्या पड़ गया है बोरोन फैमिली बोरोन फैमिली बोरोन परिवार या आगे चलकर पढ़ने हैं सब ग्रुप नंबर फोरटीन को क्या कहते हैं ग्रुप नंबर फोर्टीन को क्या कहते हैं है? कार्बन फैमिली कार्बन फैमिली याद करा होगा कहे सीता जी सुनो प्रभु क्योंकि कार्बन है इसका फर्स्ट मेंबर ग्रुप नंबर 16 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली सॉरी 15 15 लिखो ना पहले ग्रुप नंबर जो 15 है उसको क्या कहा जाता है आप कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर कौन है नाइट्रोजन है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया नाइट्रोजन फैमिली पड़ गया ग्रुप नंबर 16 को सिक्सटीन को क्या कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली बिकॉज इसका फर्स्ट मेंबर कौन है ऑक्सीजन है तो जैसे आपके घर को बोलते हैं ना आपके दादा के नाम से जानते होंगे दादा मुखिया हैं वैसे ही मुखिया हैं ठीक है ग्रुप नंबर सेवनटीन का नाम बताइए जरा क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं सब आपकी बातें आगे आएंगी तो ग्रुप नंबर सेवनटीन को कहा जाता है हेलोजन एलिमेंट्स क्या कहा जाता है हेलोजन

एग्जाम में पूछेगा चार आपको एलिमेंट्स के नाम देगा पूछेगा इनमें से कौन सा कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है तो भाई सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए किस ग्रुप को बोलते हैं तो ये तो मालूम होना चाहिए ना आपको तो कार्बन फैमिली हम किसको कहते हैं कार्बन का फैमिली फोर्टीन को कहते हैं है। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करो ग्रुप नंबर वन को क्या बोलेंगे

ऑक्सीजन पहला फर्स्ट मेंबर है 17 को हेलोजन फैमिली कहते हैं और 18 को जीरो ग्रुप कहते हैं ये दो हमें तो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं क्यों कहते हैं हेलोजन और क्यों कहते हैं जीरो ग्रुप आ जाओ जरा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भाई सब आएगा ही आएगा आना ही आना है तय है सुनो मैंने कहा ग्रुप नंबर 16 को हम हैलोजन फैमिली कहते हैं या हेलोजन ग्रुप कहते हैं हम जैसे भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में अब हैलोजन का मतलब क्या होता है सुनो हैला शब्द हैला 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 शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से किस भाषा से लैटिन और लैटिन भाषा में हैला का मतलब होता है सॉल्ट सॉल्ट का मतलब होता है लवण ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं जो नमक बनाते हैं है ना जो क्या करते हैं जो नमक बनाते हैं हैला का मतलब क्या होता है? जो प्रोड्यूस करते हैं, जो नमक बनाते हैं जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन एस्टेटाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है इसलिए हम इनको हैलोजन कहते हैं अब आते हैं कि हमने जीरो ग्रुप क्यों बोला अठारवे ग्रुप को क्योंकि जो ग्रुप नंबर 18 में एलिमेंट्स आते हैं उन सब की वैलेंसी जीरो होती है उनकी वैलेंसी कितनी होती है जीरो होती है उनकी संयोजकता जीरो होती है उनकी संयोजकता जीरो होती है उनकी, होती है। उनकी आउटर शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं वो किसी भी टाइप की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं किसी भी टाइप की केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं इसलिए ग्रुप नंबर 18 को हम कहते हैं जीरो ग्रुप क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो है और याद रखिएगा जब वैलेंसी जीरो है तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं कभी भी ये किसी भी हिस्से में भाग नहीं लेते हैं है। मैम ग्रुप नंबर इलेवन को बताइए इलेवन को अभी बताएंगे ठीक है हो गया समझ में आ गई मेरी बात ये सारी चीजें समझ में आ गई अब आओ जरा आप चलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस की फॉर्म में अब जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ उतने की प्रैक्टिस सुनते जाना ठीक है अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी से आंसर करना है आ जाओ अभी खत्म नहीं हुआ है टेबल अभी तो हम ग्रुप एक एक करके सब पढ़ने वाले हैं लेकिन

पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप को हम जीरो ग्रुप कहते हैं बहुत सीधा सा आंसर है ग्रुप 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 नंबर 18 को जो ग्रुप होता है उसको जीरो ग्रुप कहते है। क्यों कहते हैं हैं क्यों क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है जीरो होती है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज वैलेंसी आना भी चाहिए आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए यह संयोजकता क्या होती है यह वैलेंसी होती क्या है आखिर सुनो कोई भी एलिमेंट है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई एलिमेंट है उसका एटम है उस एलिमेंट के एटम में जो सबसे आउटर शेल होती है सबसे बाहर वाली शेल होती है इसको कहते हैं हम वैलेंस सेल मान लो फॉर एग्जाम्पल ये इसकी सबसे बाहरी कक्षा है इसको हम संयोजी कक्षा कहेंगे क्या कहेंगे वैलेंस सेल या संयोजी कक्षा कहेंगे और इस वैलेंस सेल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं एक दो तीन चार पांच कितने भी हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको क्या नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन और जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट की आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं रासायनिक बंद बनाते हैं और ये किसी भी एलिमेंट की ये कंबाइंड होने की जो कैपेसिटी है ये जो आपस में जुड़ने की ये जो एक एलिमेंट के आउटर सेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के आउटर सेल केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं तो ये बाइंड होने की जुड़ने की जो कैपेसिटी है जो क्षमता है उसी को वैलेंसी कहा जाता है उसी को क्या कहा जाता है वैलेंसी कहा जाता है कंबाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट किसी भी तत्व की किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का किसी दूसरे एलिमेंट की बाह्यतम कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनसे जुड़ने की क्षमता को उसमें जो कंबाइन होने की कैपेसिटी है उसको बैलेंसी उसे संयोजकता कहा जाता है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हो गया चलो आगे अब सुनो नेक्स्ट सुनो केमिस्ट्री में एक रूल है जिसे कहते हैं ऑक्टेट रूल जिसे कहते हैं अष्टक सिद्धांत और ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट की बाहरी कक्षा में आउटर सेल में अगर आठ इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो स्टेबल वो एलिमेंट क्या होता है वो स्टेबल एलिमेंट होता है वो स्थायी तत्व होता है ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट की बाह्यतम कक्षा में अगर आठ इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है वो कभी भी किसी भी अदर एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करेगा वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से स्टेबल है और एलिमेंट्स रिएक्शन कब करते हैं जब वो अनस्टेबल है अभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप अनस्टेबल हो आपका कोई करियर नहीं है आपकी कोई इनकम नहीं है आपकी कोई शादी वादी की प्लानिंग भी नहीं है क्योंकि बिना नौकरी कोई छोकरी भी नहीं मिलती है राइट समझ गए आप तो जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी है ना? तो आप क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे तो आप स्टेबल होने के लिए कर रहे हैं सब ठीक वैसे ही जो एलिमेंट की आउटर सेल में आठ इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है उसे कुछ नहीं करना और जिस एलिमेंट की आउटर सेल में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अनस्टेबल है वो बॉन्ड बनाएगा वो केमिकल रिएक्शन भी करेगा ये रूल कहता है आपका केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल अब बच्चा जो ग्रुप नंबर 18 में है उनकी आउटर सेल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब इनकी आउटर सेल भरी हुई है इसका मतलब इनकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आठ इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए ये स्टेबल एलिमेंट्स है इसलिए स्थायी तत्व है ये इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स और यहां पर जो अठारवे में आते हैं वो आती हैं इनर्ट गैसेस गैसेस नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं 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 इनर्ट जिनको हम कहते हिंदी में बोलते उत्कृष्ट उत्कृष्ट गैसें का मतलब है जो कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं तो ग्रुप नंबर एटीन को हम जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी आउटर शेल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए इसका मतलब इनकी वैलेंसी जीरो है इसका मतलब इनका आउटर शेल भरा हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन से आठ इलेक्ट्रॉन से इसलिए हम इनको, इनको इनर्ट गैसेस या उत्कृष्ट गैसेस का नाम देते हैं या हम इनको क्या कह सकते हैं इन्हें जीरो एलिमेंट्स नॉन रिएक्टिव गैसेस कुछ भी नाम आप इन ये सब नाम से आप इनको पुकार सकते हैं ठीक है समझ में आ गई मेरी बात है ना बात क्लियर है

तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा एलिमेंट था जिसके लिए पहले जगह छोड़ी गई थी तो जरा बताओ किसके लिए जगह छोड़ी गई थी पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ाया था एक सिलिकॉन एका सिलिकन को बाद में रिप्लेस कर दिया गया था किससे जीई जीई का मतलब जर्मेनियम तो बताओ कि मैंडलिव की पीरियोडिक टेबल में जर्मेनियम के लिए पहले से जगह थी या नहीं यस yes, मैम पहले से जर्मेनियम के लिए जगह थी अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है वो फटाक से आंसर करो कि एक अपनाडलिव की पीरियोडिक टेबल में टेक्नीशियम को पहले किस नाम से जगह छोड़ी गई थी बाद में तो टेक्नीशियम बना था ना पहले किस नाम से जगह छोड़ी गई थी उनके पीरियोडिक टेबल में फटाक से आंसर करो कोई बफरिंग नहीं हो रही है फटाक से एकदम फर्स्ट क्लास इंटरनेट चल रहा है फर्स्ट क्लास साउंड आ रही है लेकिन साउंड थोड़ी बहुत देर के अंदर खत्म हो सकती है तो मुझे पहले से ही बैटरी चेंज करके आती हूँ एक, एक सेकंड के अंदर फटाक से बताओ टेक्नीशियम के लिए पहले क्या जगह छोड़ी थी मैंडल जी क्या आंसर कर रहे हो सभी लोग टेक्नीशियम को पहले किस नाम से जगह छोड़ी गई थी एका मैंगनीज मैग्नीशियम नहीं एका मैंगनीज एम एन सिंबल होता है ठीक है हो गया चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मुझे लगता है आप चारों याद कर लोगे आइए अगले क्वेश्चन पे द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल सबसे लंबा पीरियड कौन सा है थोड़ी देर पहले पढ़ाया था वेरी लार्ज पीरियड अति लघु और अति दीर्घ आवर्त किसको बोलेंगे जिसके अंदर 32 एलिमेंट्स होंगे तो कौन से पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं आप बताएंगे पीरियड नंबर सिक्स एंड सेवन। मैंने कहा था छठे में भी 32 एलिमेंट्स हैं एंड सातवें में भी 32 एलिमेंट्स हैं तो बताओ जरा ऑप्शन में क्या है यहां पर ऑप्शन में है हां जी तो यहां पर छठे और सातवें में कौन सा आंसर आपके पास आपके पास सिक्स है तो जरा बताओ सिक्स और सेवंथ को क्या बोलते हैं हम वेरी लॉन्ग पीरियड अति दीर्घावर्थ क्योंकि दोनों में थर्टी टू थर्टी टू एलिमेंट होते हैं अब आपके पास दोनों ऑप्शन तो दोनों हो जाते हैं ठीक है चले अगले नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न लगो भाई आ जाओ विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक टेबल बहुत शानदार क्वेश्चन चलो सुनते जाना है इसका अंदर क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करना है इनमें से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्त गुण नहीं है देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं पहले उसे सुनने की कोशिश करो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए कुछ पीरियोडिक लॉ दिए गए थे सिद्धांत दिए गए थे उसमें से अलग अलग साइंटिस्ट ने ये चीजें बताई कि भाई ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है मैं सब पढ़ाने वाले आपको मैंने कहा ना तीन दिन, वो तीन दिन, दिन दिन लगेंगे चैप्टर को पढ़ाने में में धीरे धीरे स्टेप स्टेप बाय चलेंगे एक दिन में सब कुछ पढ़ा दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा तो मुझे वो भी नहीं करना ना सुनो पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक फंक्शन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होता है विद्युत ऋणात्मकता होता है अटोमिक साइज भी होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होता है अब मैं लिख लो जो बाकी के बच्चे हैं रेडियस अटोमिक रेडियस भी पीरियोडिक फंक्शन बनता है ठीक है हिंदी में क्या लिखेंगे प्रमानु त्रिज्या परमाणु त्रिज्या. एक और लिख लो वैलेंसी <coughs> वैलेंसी, जिसे हम कहते हैं संयोजकता संयोजकता और एक और लिख दो आई ई आयोनाइजेशन एनर्जी आयन विभव आयोनाइजेशन एनर्जी तो बच्चा पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटोमिक साइज परमाणु आकार बोलेंगे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोन एफिनिटी तीन नंबर पे, चार नंबर पे लिखो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वैद्युत धनात्मकता वैद्युत धनात्मकता पांच नंबर पे अटोमिक रेडियस छह नंबर पे वैलेंसी सात नंबर पे आयोनाइजेशन एनर्जी बस ये सात बनते हैं क्या नहीं बनता है रेडियो एक्टिविटी नहीं बनता है रेडियो धर्मिता

हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब ऑप्शन देखना आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवास सारणी तो बनाई थी मोजले बनाई थी लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ इनवेंटेड मतलब खोज किसने की आवास सारणी की तो मैंने पढ़ाया था ना कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हमेशा कौन रहेंगे वो हमेशा वही महान, महान साइंटिस्ट रहेंगे जिनका नाम मैंडलीव है

जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए बता दिया सब सही आंसर कर रहे हैं क्या ठीक है भाई मैंने मान लिया अरे सात और चार ये चार वाला कौन है चार वाला क्लास में पक्का लेट आया है चार वाला पक्का लेट आया है क्लास में आओ इसलिए मैं कह रही थी लेट मत होना आज की क्लास में और कल की में भी मत होना लेट मत होना कल की क्लास में भी आइए द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज डैश पीरियड एंड डैश ग्रुप कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड कि आवर्त कितने हैं पहले आवर्त बताने आवर्त कितने होते हैं सात सात पीरियड है पहले में कितने एलिमेंट्स दो दूसरे में आठ, तीसरे में, आठ, में, 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 में 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 आठ आठ तीसरे ये याद करवा रही आपको चौथे पांचवे छठे थर्टी टू सातवें थर्टी टू ये लाइन याद होनी चाहिए नहीं तो कल की क्लास समझ में नहीं आएगी ठीक है और कितने ग्रुप है तो क्या बता दोगे ग्रुप है अठारह तो ऑप्शन नंबर बी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कुछ झमेले वाले नहीं है आज की क्लास में झमेले वाले नहीं मिलने वाले आपको चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आयरन एंड निकिल आर फाउंड इन द डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल आयरन और निकिल कहां आते हैं चलो आ गया कांसेप्ट पढ़ाने वाली बात सुनो जो भी मेटल हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं जैसे सोना हो गया अब सोना आप कहोगे मैम डेली लाइफ में कहा काम में लेते हैं लोहा तो लेते होंगे ठीक है जैसे लोहा जैसे चांदी जैसे सोना जैसे कॉपर जैसे निकिल जैसे कोबाल्ट जैसे जिंक जैसे प्लैटिनम इनको बोलते हैं डेली लाइफ वाली मेटल्स दैनिक जीवन चक्र में हमें ये काम में आती रहती है ये मेटल्स और पीरियोडिक टेबल में ऐसी मेटल्स को हमने डी ब्लॉक में रखा है कहां रखा है हमने डी ब्लॉक में और आपको एक मजे की बात बताऊं डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स हैं वो सब क्या हैं वो सब मेटल्स हैं वो सब धातु हैं पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में जो कौन कहाँ से शुरू होता है डी ब्लॉक ग्रुप नंबर थ्री से स्टार्ट होके बारह पे खत्म होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की फॉर्म में हैं वो धातुओं की फॉर्म में हैं और ये सारे हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं इसे जिंक जैसे निकल कोबाल्ट आयरन कॉपर निंक निकल जिंक ये सब आप काम में लेते हो तो अब आपको बताना है कि ये कहाँ है तो डी ब्लॉक कहाँ बनाया था हमने हमने कैसे बनाया पीटी कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है पीरियोडिक टेबल से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है भाई से बीच वाले को डी ब्लॉक बोला था तो ये कहाँ है ये मिडल साइड में है बीच में तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर डी होगा इसका आंसर डी होगा ठीक <coughs> है चलो आओ अगले क्वेश्चन पे ये रहा देखो ये आपका डी ब्लॉक है मिडल वाला ये देख लीजिए स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कॉपर निकल आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ये देखो चांदी बैठा ये देखो सोना बैठा ऑरम ये देखो बच्चा एच जी मरकरी कैडमियम ऑसमियम टेक्नीशियम ये सब हम काम में लेते हैं और ये सब मेटल्स हैं और ये बीच में है आओ अगले क्वेश्चन पे एलिमेंट्स ऑफ द टेबल। भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है सब लोग सही आंसर कर देंगे बहुत ही सही आंसर है आप सब जानते हैं कि आवर में सबसे कम क्रिया करने वाले एलिमेंट्स को हम कहाँ रखते हैं ग्रुप नंबर 18 में रखते हैं सबसे कम क्रियाशील या जो करते ही नहीं है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये एक् एलिमेंट्स हैं और ये सारे गैसेस की फॉर्म में होते हैं क्या होते हैं ये एक्रिय गैसेस होती हैं या उत्कृष्ट गैसेस होती हैं तो ग्रुप नंबर 18 को कहा जाता है नोबल गैसेस वाला उत्कृष्ट गैसेस वाला नोबल का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है जो किसी से रिएक्शन नहीं करे जो किसी से क्रिया नहीं करे उसे नोबल एलिमेंट कहते हैं ठीक है और गैस की फॉर्म में है तो वो नोबल गैस हो जाता है तो ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस नॉन रिएक्टिव गैसेस उत्कृष्ट गैस कैसे भी आप नाम दे दो अब ये कितनी होती हैं उत्कृष्ट गैसे तो सुनो बच्चा हीलियम, ही आर्गन क्रिप्टोन जेनोन रेडोन आर एन रेडोन अब मैंने कैसे याद करना बताया था दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस उसी से नंबर निकालोगे आप यहां। ये क्या फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर में थर्टी टू जोड़ोगे एट्टी सिक्स आएगा और एक और लिख लो लास्ट वाला ऑर्गेजन एक सौ अठारह पे देख लेना जोड़ देना सही मेरी मैथ्स मेरी गणित बहुत कमजोर है मैंने गणित कभी गणित की मेरे से बनी नहीं मेरी गणित से नहीं बनी तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों में समझ में आ गया मेरा दो दस अठारह छत्तीस चौवन एट्टी सिक्स वन वन एट ठीक क्रिप्टोन जेनोन रेडोन ये सब मानी जाती हैं नोबल गैसेस इनको ही नॉन रिएक्टिव गैसेस कहते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये कभी भी किसी से भी कोई केमिकल रिएक्शन कोई केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेती है इसलिए ऐसा है आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ क्वेश्चन सुनो एल्ली मेटल्स किस ग्रुप को कहते हैं ग्रुप नंबर वन को जो समूह नंबर वन में आते हैं उनको एल्क् मेटल्स कहते हैं छारिय धातु कहते हैं और एल्क् अर्थ मेटल किसको कहते हैं ग्रुप नंबर टू वालों को कहते हैं क्वेश्चन कहीं से बन सकता है याद रखना अब ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं संक्रमण तत्व किसको कहते हैं ग्रुप नंबर डी के एलिमेंट सॉरी ब्लॉक नंबर डी के एलिमेंट को जो डी ब्लॉक में आते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्यों कहते हैं ये कल की क्लास में आएगा ट्रांजिशन इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व ये मैंने कल की क्लास के लिए छोड़ा है आज मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगी कल थोड़ा सा ऊपर परसों ठीक है समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके सारे बन गए हैं आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चनिक प्रॉपर्टी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल ये लेफ्ट होता है केमिस्ट्री में या राइट right होता है बायोलॉजी में उल्टा होता है ये लेफ्ट होता होता है ये right होता है राइट ठीक है तो आपसे कह रहा है जब आप बाएं से दाएं जाते हो ऐसे 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 तो जो प्रॉपर्टी होती है मेटलिक का मतलब तो धात्विक गुण तो धातुओं का गुण बढ़ेगा या घटेगा अब मेरी बात को अपने खोपड़े में एकदम सही से जमाने की कोशिश करना पीटी को देखकर पीरियोडिक टेबल को देखकर देखो ये पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड है या राइट right साइड है ये लेफ्ट वाला साइड जो होता है ना इसमें ये यहां तक ये मेटल्स हैं। ये क्या है ये मेटल्स हैं। सिर्फ उस भाई साहब को छोड़ दो हाइड्रोजन को उसे छोड़ दो ठीक है ये सब क्या है ये सब धातुएं हैं ये धातु हैं। तो और ये जो है ना ये जिग्जेग लाइन ऐसे बन रही है ये देखो ये पीले वाली इसे कहते हैं मेटलोइड की लाइन ये किसकी है मेटेलोइड मेटेलोइड पड़ा होगा जिसे हम कहते हैं उपधातु जिसके अंदर मैटल और नॉन मेटल दोनों के करैक्टर होते हैं जिसके अंदर धातु और दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं ये सेमी मेटल्स कहलाती हैं ये काम आती हैं आपके क्या बनाने के लिए आ, ये सेमी कंडक्टर्स और चालक बनाने में काम आती हैं ठीक है थीके? अब पीरियोडिक टेबल के उधर की साइड देखो ये सब होते हैं नॉन मेटल्स ये सब क्या होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं ये ए है. तो मुझे ये बताओ कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में क्या है मेटल्स हैं राइट में क्या है नॉन मेटल्स हैं हैं और ये जिग्जेग लाइन क्या है ये मेटल को नॉन मेटल से अलग कर रही है ये मेटलोइड की बनी हुई होती है ये उप धातु की बनी हुई होती है तो जब कभी भी आपसे ये पूछे अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा लेफ्ट से राइट जाना है लेफ्ट से जा रही हूं जा रही हूं जा रही हूं मेटलिक प्रॉपर्टी मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है अब इसका उल्टा पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल में राइट right से लेफ्ट आए तो भाई इधर नॉन मेटल नॉन मेटल 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 तो जब जब आप लेफ्ट से राइट right याद करोगे राइट right से लेफ्ट भी याद करना पड़ेगा तो पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट right जाते हो तो मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लग जाती है राइट right से लेफ्ट आते हो तो मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ने लग जाती है अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था क्वेश्चन हाँ, ने कहा से पूछा लेफ्ट टू राइट पूछा बाएं से दाएं पूछा तो क्या होगा बच्चा डिक्रीज होगी यहीं पे पूछा होता राइट <coughs> right से लेफ्ट तो हमारा इंक्रीज ऑप्शन हो जाता लेकिन हमारा क्या यहां पर बी आंसर सही है आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग गैसेस विच इज द लाइटेस्ट गैस इन पीरियोडिक टेबल हाँ जी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन ये सारी गैसेस बनाते हैं ये सारे एलिमेंट क्या करते हैं बच्चा गैस बनाते हैं तो इसमें से कौन सी गैस सबसे हल्की होगी ऑक्सीजन गैस सबसे हल्की है मीथेन गैस हल्की है नाइट्रोजन गैस हल्का है या हाइड्रोजन गैस अब आपके लिए का आंसर करना बहुत सिंपल है भाई पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट एटॉमिक नंबर एक वाला जिसके एटॉमिक रेडियस कम है वो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्की गैस होती है पीरियोडिक टेबल की इट इज द लाइटेस्ट गैस इन पीरियोडिक टेबल अब आप कहोगे मैम हमने तो हीलियम पढ़ा अब उल्लू भी हल्की होती है लेकिन हीलियम इज अ नोबल गैस तो अगर आपसे पूछे लाइटेस्ट गैस ऑफ पीरियोडिक टेबल आवर सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी है तब आपका आंसर हाइड्रोजन होगा लेकिन आपसे पूछे लाइटेस्ट नोबल गैस सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है सॉरी एच ई हिलियम होगा तब आपका आंसर क्या होगा ही, 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 हीलियम होगा हो हो तो दोनों क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के फिर ही आंसर करें अब हाइड्रोजन हल्का क्यों है भाई हाइड्रोजन से हल्का क्या होगा जिसका टॉमिक नंबर एक है उसे हल्का कुछ हो सकता है कि आप खुद सोचो उसे हल्का कुछ नहीं हो सकता इसीलिए हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट गैस है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था फिर मैम जब हाइड्रोजन हल्की है तो हम हर जगह हीलियम क्यों लेके जाते हैं अरे भाई हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव एलिमेंट होता है विस्फोट कर देगा आग लगा देगा हाइड्रोजन इसलिए हम हाइड्रोजन को ना ले जाकर हम हीलियम को भरते हैं एयर बलून में हवा वाले गुब्बारे में या फिर जो लोग अस्थमा पेशेंट होते हैं उनके इनहेलर में स्कूबा डाइविंग में जो करते हैं लोग उनके सिलेंडर में या जो लोग पहाड़ वहाड़ पर चढ़ते हैं उनके सिलेंडर में क्या रहती है हीलियम गैस रहती है हाइड्रोजन हर जगह नहीं लेकर जा सकते ये आग भी लगा सकती है आग पकड़ सकती है इसलिए हम हीम को लेकर जाते हैं हीम क्योंकि कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि नॉन रिएक्टिव गैस है तो सबसे हल्का कौन सा होगा हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ही सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है बेस्ट फ्यूल माना जाता है सबसे अच्छी क्वालिटी का ईंधन माना गया है आपने सुना होगा हमारे देश में भी हाइड्रोजन गैस से रोडवेज तक चलने का वो पूरा का पूरा जो एक प्रपोजल था वो पूरा सक्सेस हो चुका है ना और जो हाइड्रोजन गैस है उसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है उसे भविष्य का ईंधन कहा गया है कि भविष्य में एक दिन हम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होंगे हम हाइड्रोजन गैस पे होंगे ठीक है आइए फिर अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं में उपधातुओं और अधातुओं किस ब्लॉक में रखी गई है बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिस ब्लॉक में मेटल्स भी हैं नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलोइड भी हैं ये एक ही ऐसा पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक है जिसमें धातु भी हैं अधातु भी हैं और उप धातु भी हैं तीनों रखी गई हैं अभी तो पढ़ाया आपको कि ऐसे जिग्जेग लाइन है इसके इधर क्या है मेटल्स हैं इस जिग्जेग लाइन के इधर क्या है सारी मेटल्स हैं धातु है किसकी बनी है मैटलोइड की बनी है और इधर क्या है, 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 तो है, है सबको रखा गया है ठीक है और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक तो कर दो यार कम से कम और शेयर कर दो पांच हजार तक बच्चे तो देखने चाहिए ना कुछ तो कम है पांच हजार में से है ना कल भी पढ़ाऊंगी बिल्कुल पढ़ाऊंगी हम्म चले आगे फटाक से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ये कह रहे मैं पटना कब आएंगे बताओ क्यों आए पटना हाँ क्यों आए पटना पहले ये बताओ क्या करने आए पटना आए थे हम पढ़ाने पटना जब तो तुम तो तो मिले नहीं अब पटना आके क्या करें चले फिर आगे आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस संडे आपकी रीजनिंग की बहुत अच्छी मैराथन क्लास होने वाली है आर ग्रुप डी के लिए तो बच्चों तुरंत उसे ज्वाइन कर लेना संडे को होने वाली है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इवेंट लग चुका है उसका देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड टेबल के जो बीच में है और बीच में कौन सा ब्लॉक होता है डी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं तो बच्चा आज सिर्फ इसके बारे में आपको जानना है कि इनको क्या कहते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि आज आपको समझ में नहीं आएगा मैं नहीं चाहती कि एक ही दिन में आपकी खिचड़ी पका दू मैं सारी है ना नहीं धीरे धीरे बताऊंगी कल की क्लास में बताऊंगी ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है फिलहाल इतना जान लो कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं इतना जान लो और डी ब्लॉक में ही कहां से शुरू होता है डी ब्लॉक ग्रुप नंबर तीन से शुरू होकर बारह पे खत्म होता है और डी ब्लॉक के अंदर जो मेटल्स आती हैं उनको हम कहते हैं डेली लाइफ वाली मेटल जो आप दैनिक जीवन में काम में लेते हैं जैसे सोना चांदी आयरन एक्सेट्रा एक्सेट्राउ मैं बताऊंगी ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है लेकिन कल आज नहीं समझ में आएगा अभी आगे चलते हैं हमने क्लासेस को कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन विच साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत बच्चों वाला थका हुआ क्वेश्चन है मेटल्स को कहां रखा है हमने लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होती है राइट एंड साइड में क्या आते हैं बच्चा राइट एंड साइड में नॉन मेटल आते हैं मैटलग लाइन मेटेल की बनी हुई है यहां पर डेली लाइफ वाली मेटल्स रखी गई हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं तो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है लेफ्ट एंड साइड में लेफ्ट एंड साइड में ठीक है आओ अगले क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हेलोजन प्लेस्ड थोड़ा सा इसको डिटेल में करने वाले हैं इस क्वेश्चन को पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप के अंदर और कौन से ब्लॉक के अंदर ब्लॉक पे पूछ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो ब्लॉक ब्लॉक कौन सा सत्र ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है पी ब्लॉक में तो पी ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर सेवनटीन है उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हेलोजन एलिमेंट्स कहते हैं और उस ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं उन्हें हेलोजन तत्व कहते हैं और इनके बारे में कुछ बातें बताने चाहेंगे हेलोजन नाम क्यों पड़ा क्योंकि मैम ये सोल्ट बनाते हैं ये नमक बनाते हैं इसलिए इनका नाम हैलोजन पड़ा और दूसरा पॉइंट सुनो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट्स मतलब ग्रुप नंबर सेवनटीन में जो एलिमेंट्स हैं जब कभी एलिमेंट्स सल्फर के साथ अभिक्रिया करते हैं किसके पास किसके साथ सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं हेलाइड क्या बनाते हैं ये हेलाइड बनाते हैं इसलिए इनका नाम हैलोजन पड़ा क्या पड़ा कि ग्रुप नंबर सेवनटीन में जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स की जब आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ सल्फर के साथ तो वो हैलाइड बनाते हैं आप कौन कौन से एलिमेंट है फिर कल बाहर आई आंटी एफ से फ्लोरीन हिंदी में लिखते हैं चलो हिंदी वाले बच्चे गुस्सा हो जाते हैं मुझसे फ्लोरीन सी एल से बना क्लोरीन बी आर से बना ब्रोमीन से बना आयोडीन आयोडीन और ए टी से क्या बना तो कुछ महानुभव बोलेंगे ए टी से एंटीमोनी बना एंटीमोनी इज एक मेटलोइड जबकि ए से बनता है एस्टेटाइन एस्टेटाइन और एस्टेटाइन इज ए हेलोजन एलिमेंट एन एंटीमोन इज ए मेटेलोइड तो कितना डिफरेंस है दोनों में है ना तो सुनो बच्चा जैसे ही फ्लोरीन की रिएक्शन करवाई सल्फर से तो फ्लोराइड बनाएगा पानी में फ्लोराइड आयन ज्यादा हो जाते हैं तो आपको दांत टूटने लग जाते हैं आपके दांतों में टूथ डिके होने लग जाता है सुना होगा जब आपके क्लोरीन की रिएक्शन करवाई सल्फर से तो क्लोराइड ब्रोमीन की ब्रोमाइड, ब्रोमाइड याद है ना आपने ब्रोमाइड से क्या क्वेश्चन याद किया होगा ब्रोमाइड से कल परसों ही बताया था आपको एक क्लास में क्वेश्चन कि ब्रोमाइड जब हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो ओजोन लेयर को डेप्लीटेट कर रहे हैं है ना बताई तो ना ये बात और ब्रोमाइड से एक वो फोटोग्राफी में कौन सा सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है है ठीक से करवाओगे सल्फर की रिएक्शन आयोडाइड एस्टेटाइड तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो एक तो नमक बनाते हैं जैसे नमक आप देख लो ना बच्चा एन -E नमक होता है पोटेशियम आयोडाइड नमक होता है तो ये सब नमक बनाते हैं दूसरा ये सल्फर से रिएक्शन करके ब्रोम सल्फाइड uh, बनाते हैं और बच्चा ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी वैलेंसी कितनी होती है इनकी वैलेंसी माइनस वन होती है अब माइनस वन का मीनिंग क्या है वो सुन लो बच्चा माइनस का मतलब होता है इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना एक मैंने कहा कोई भी एलिमेंट है स्टेबल कब होता है जब उसकी आउटर शेल में कितने हो आठ इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है ये एलिमेंट जो होते हैं ना इनकी आउटर सेल में सात एलिमेंट होते हैं जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप करके देख लो सबके आउटर शेल में सात मिलेंगे तो इन्हें कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इसलिए बच्चा इनके ऊपर एक चार्ज होता है ऐसे नेगेटिव एक चार्ज कि इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इनकी संयोजकता माइनस वन होती है इनकी वैलेंसी माइनस वन है और माइनस वन का मतलब होता है इन बेचारों को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ये तरस्ते रहते हैं बस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए फिर मैं सबको भूल जाऊंगा है ना कितना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो आसानी से ये रिएक्ट कर जाते हैं जहां एक इलेक्ट्रॉन मिला बस भाग जाएंगे वहां पे इसलिए इनको हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स भी मानते हैं हम इनको अत्यधिक क्रियाशील तत्वों की कैटेगरी में इनको रख सकते हैं आप ठीक है तो इनकी वैलेंसी माइनस वन माइनस वन ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रेडियस इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस कब बढ़ती है आवर्त सारणी में आप सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस होता क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करो ये आप किसी भी एटम को शायद इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते होंगे ये क्या है उस एटम का न्यूक्लियस है है ना ये क्या है उसका नाभिक है और ये बाहर क्या बना रही हूं मैं शेल बना रही हूं कक्षाएं बना रही हूं और ये मान लो इस एटम की सबसे आउटर शेल है इस आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन का और ये डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है ना इसको अटोमिक रेडियस इसको रेडियस या परमाणु त्रिज्या के नाम से जानते हैं ठीक है फिर से सुनो एक बार किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उस इलेक्ट्रॉन का नाभिक किस बीच का जो डिस्टेंस है जो दूरी है उसे अटोमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कहा जाता है अब बच्चा अटोमिक रेडियस कब बढ़ता है जब कभी भी आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब ओ भाई तो पूरा ही क्वेश्चन चला गया यार अब नहीं आया ना ये इसको वापस करना पड़ेगा अब नहीं आएगा ये चलो कोई ना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ सुनो जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं तो अटोमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होती है क्या होती है इंक्रीज होती है अटोमिक रेडियस में बढ़ोतरी होती है अब आप कहोगे मैम क्यों होती है क्यों बढ़ती है अटोमिक रेडियस क्योंकि बच्चा नंबर ऑफ शेल बढ़ता है नंबर ऑफ शेल का मतलब है कक्षाओं का नंबर बढ़ता है हाइड्रोजन में एक ही शेल है जब एक ही शेल है तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो इसके बीच का डिस्टेंस कम है लिथियम में दो शेल है इस तरीके से तो बच्चा दो शेल है तो यहाँ न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया सोडियम में तीन शेल होती हैं इस तरीके से तो बच्चा नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है ना तो ये डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है जितना नंबर ऑफ शेल उतना उस इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी एटॉमिक रेडियस तो याद है, है। क्यों बढ़ता है समान रहेगा किसने कहा एक जैसा रहेगा अरे नहीं यार अटोमिक रेडियस बढ़ता है ठीक है क्यों बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ता है मतलब कक्षाओं का आकार बढ़ता है इसलिए और जब आप लेफ्ट से राइट right जाते हो तो क्या होता है वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताओगे यहाँ ट्विस्ट है छोटा सा यहाँ बस वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे इस वीडियो के नीचे कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा और अब यहाँ की क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर ठीक है 16 से लेकर कल कंटिन्यू करेंगे ये सारे क्वेश्चंस कल पढ़ाएंगे आपको आज के लिए इतना बहुत है बच्चा <coughs> ये वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा कल पढ़ाऊंगी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और सारे ग्रुप को याद करने का ट्रिक पढ़ाऊंगी ये देखो बहुत क्वेश्चन है अभी तो तीन दिन दो दिन और लगेंगे इनको करने में दो दिन तो लगेंगे ही लगेंगे मुझे लग रहा है ठीक है और आप सुन लो फटाक से इस संडे को आपका रीजनिंग का मैराथन क्लास होने वाला है शाम को पांच बजे से जो आर आर सी ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उस रीजनिंग की क्लास को पाँच बजे से ज्वाइन कर लीजिएगा और रीजनिंग के साथ साथ मैं आपको बता दूं जीएस का भी बहुत अच्छे तरीके से सीरीज स्टार्ट हो रही है संडे को आपकी ये भी मैराथन क्लास होगी सारा जीएस वाला पार्ट आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से ठीक है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी आप मुझे एक बार बता जाओ क्लास कैसी लगी सब ठीक चल रहा है ना अभी दो दिन और लगेंगे स्पीटी को खत्म करने में है ना अभी टाइम लगेगा बच्चा दो दिन लगेंगे पूरे पूरे इस पीरियोडिक टेबल को खत्म करने में इतना जल्दी नहीं होगा है ना चलो फिर ये हो गया और इसके अलावा मैंने कहा था अगर किसी को रिविजन करना है तो सिर्फ रिविजन अगर किसी को करना है तो मैंने आपको ये बैचेस की प्राइस ऑलरेडी कम कर रखी थी जो शायद कल आपकी वापस वही हो जाएगी लग से बैच ले सकते हैं वन डबल नाइन में जैसे सारे सब्जेक्ट हैं मैथ्स रीजनिंग बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और सारा कुछ पार्ट है और साइंस को अगर आप कोई पार्ट रिविजन करना चाहते हैं तो आपके लिए वी अवेलेबल है वन डबल नाइन में वन डबल नाइन में अवेलेबल है आप उसको ज्वाइन करके आप अपना कोई पार्ट रिवीजन करना है वो लेना किसी ने पढ़ रखा है वो बैच मत लेना ठीक है पहले से पढ़ रखा है मेरे से उसको लेने की जरूरत नहीं है नोट्स बनाए हैं तो किसी को रिवीजन वगैरह करना है तो वो इस चीज को देख सकता है एक बार अगर लेना है तो बाकी आप पर है टोटली आपको लेना है नहीं लेना है वो सब आप पे है ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं अब मुझे ये बता दो कि कैसी लगी आपकी क्लास बाकी सब छोड़ो मुझे क्लास से मतलब मस्त लगी न्यूमेरिकल्स मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी आपको डोंट वरी मैंने बहुत सारी क्लासेस में करवाई भी हैं और मैं न्यूमेरिकल्स छोड़ो मैं आपको अच्छा हाँ सुनो 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 मैं ना अगले कुछ दिनों में आने वाले में दो क्लास अपलोड करूंगी यूट्यूब पर जिसमें मैंने सारे केमिस्ट्री के, के केमिकल फॉर्मूला दो क्लास में पढ़ा रखे हैं मैं सोच तो रही हूं उसको एक जगह जोड़ के एक साथ कंबाइन करके मैं अपलोड करवा क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना रेलवे वगैरह के एग्जाम में ना एस में भी आ जाते हैं है ना क्या होता है केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मुले से आंसर आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या है उसका केमिकल नेम क्या है तो दो वीडियो मेरे पास उसको मैं कंबाइन करके एक वीडियो डलवाने वाली हूँ आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए आप उसको पढ़ लेना नोट्स बना लेना क्योंकि उस केमिकल फार्मूला को बार बार मैं लाइव पढ़ाऊं या वी आपको वीडियो डलवाऊं तो उसमें लगभग बराबर बात है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार आ, एक दो दिन में डलवा दूंगी सैटरडे संडे में इस संडे से पहले पर डलवा दूंगी वो फॉर्मूले पक्का पढ़ लेना एक क्वेश्चन फॉर्मूले से दो तीन क्वेश्चन पीटी से आते ही आते हैं हर साल ठीक है इसलिए मैं कह रही हूँ चलो फिर अच्छा लगा आपसे मिलकर आज और मुझे बहुत पढ़ाकर मज़ा आया आज तो मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया ना हाँ ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे से पौने दो घंटे की क्लास हो गई है तो मालूम ही नहीं चला आज कब पढ़ा दिया आपको मिलते हैं कल आपसे सेम टाइमिंग पे आ जाइएगा नौ बजे और तब तक इसके नोट्स बनाइए बढ़िया तरीके से और इसका पी मैं तुरंत बना लेती हूँ ना ओ भाई वो पी चला तो नहीं गया है क्लास वाला वैसे तो नहीं गया होगा चलो मैं इसका पीडीएफ बना के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ मैं पीडीएफ दे दूँगी या पीडीएफ एक साथ देती हूँ कल भी पढ़ा देती हूँ फिर एक साथ पीडीएफ दूंगी पूरे का आधा अधूरा पीडीएफ देने का मतलब नहीं है आप प्रिंट भी निकाल लेंगे तो फिर एक साथ निकाल लेना अगर आपका प्रिंट वगैरह निकालना है तो इसका पीडीएफ कल दूंगी तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बस फिजिक्स भी हो जाएगी क्लास बहुत जल्दी हो जाएगी फिजिक्स की क्लास भी चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है थैंक यू सो मच और अगर किसी को साइंस पढ़नी है रिवीजन करना है तो आप वन डबल नाइन में ले सकते हैं कल इसका प्राइस वापस हो जाएगा तो आप इसको वन डबल नाइन में आप इसको कर सकते हैं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ठीक है चलो अपना ध्यान रखिए अच्छे से रहिए टाटा बाय बाय गुड नाइट हाँ जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर वीडियो के नीचे बिल्कुल ड्रॉप कर देना और यह भी बता देना कि क्लास कैसी लगी मैं आप लोगों के कॉमेंट का इंतजार करती